और ये परिभाषा न होने के कारण एक गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म चल रहा है। एक गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म से हम मानवता की रक्षा नहीं कर सकते। टेररिज्म टेररिज्म होता है, आतंकवाद आतंकवाद होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वक्त वक्त पर पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए आतंकवाद का मुद्दा उठाते रहे हैं। जो काम मोदी और ओबामा की दोस्ती ने नहीं किया, उस काम को मोदी और ट्रंप की दोस्ती ने कर दिखाया। आखिरकार मोदी की बात पर मुहर लगाते हुए अमेरिका ने पाकिस्तान को आतंकियों के लिए सुरक्षित पनाहगाह मुहैया कराने वाले देशों की लिस्ट में डाल दिया है। अमेरिकी विदेश विभाग की रिपोर्ट में कहा गया है कि लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकी संगठन पाकिस्तान से अपनी गतिविधियां चला रहे हैं। ये संगठन वहां आतंकियों को प्रशिक्षण देते हैं और खुलेआम चंदा जुटाते हैं। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के कंट्री रिपोर्ट्स ऑन टेररिज्म 2016 में कहा गया है कि पाकिस्तान सुरक्षा बल उसके देश में आतंकी हमले करने वाले तहरीके तालिबान पाकिस्तान जैसे आतंकी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान अफगान तालिबान या हक्कानी नेटवर्क पर पर्याप्त कार्रवाई नहीं कर रहा है। उसने अफगानिस्तान में अमेरिकी हितों के खतरों को लेकर अपनी क्षमता सीमित कर ली है। इसके अलावा पाकिस्तान ने 2016 में दूसरे आतंकी संगठन जैसे लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद पर भी कोई कार्रवाई नहीं की। रिपोर्ट में अलग से दिए गए अध्याय में विदेश विभाग ने पाकिस्तान को आतंकियों की सुरक्षा पनाहगाहों की सूची में डाला है। NMF न्यूज की रिपोर्ट।